नमस्कार एम वी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं तो चलिए दोस्तों आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास आज हम आपके लिए गुड़हल के फायदों के बारे में बताएंगे गुड़हल एक आम सा फूल है जो की देखने में सुंदर होता है ऐसे कई गुड़हल के फूल है जो की अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं जैसे की लाल सफेद गुलाबी पीला और बैंगनी इत्यादि रंगों में पाया जाता है यह सुंदर सा गुड़हल काफी स्वास्थ्य के खजाने से भरा हुआ होता है इसका इस्तेमाल खाने पीने या दवाओं के लिए किया जाता है इससे कोलेस्ट्रॉल मधुमेह हाई ब्लड प्रेशर और गले के संक्रमण जैसे रोगों का इलाज किया जाता है यह विटामिन सी कैल्शियम वसा फाइबर और आयरन का एक बढ़िया अच्छा स्रोत है गुड़हल के ताजे फूलों को पीस कर लगाने से बालों का रंग सुंदर हो जाता है मुंह के छालों में गुड़हल के पत्ते चबाने से लाभ होता है डाइटिंग करने वाले या गुर्दे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति अक्सर इसे बर्फ के साथ बिना चीनी मिलाए पीते हैं क्योंकि इसमें प्राकृतिक मूत्रवर्धक गुण होते हैं क्या आप जानते हैं गुड़हल की चाय भी बनती है जी हाँ गुड़हल की चाय एक स्वास्थ्य हर्बल टी है ऐसे अनेक फायदे है इस गुड़हल के आइए आज हम जानते हैं इसके औषधीय गुलाबों के बारे में यह सर्दी जुकाम एवं बुखार को दूर भगाता है दिल के लिए फायदेमंद होता है हाई ब्लड प्रेशर को दूर भगाता है और बेड कोलेस्ट्रॉल को भी दूर करता है किडनी के रोगों में फायदेमंद है स्वास्थ्य रोगों में दूर करता है गले और कफ के रोगों को दूर करता है बालों को झड़ने से रोकता है स्मरण शक्ति को बढ़ाता है खून की कमी को दूर करता है गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है महासों को दूर करने के लिए भी यह एक रामबाण इलाज है तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हम यूज करेंगे तो जो भी है बीमारियां हमने आपको बताई हैं उनका इलाज करेगा सबसे पहले सर्दी जुकाम और बुखार में गुड़हल से बनी चाय को प्रयोग सर्दी जुकाम और बुखार इत्यादि को ठीक करने के लिए किया जाता है दिल के लिए यह फायदेमंद होता है गुड़हल के फूल का अर्क दिल के लिए उतना ही फायदेमंद होता है जितना की रेड वाइन और चाय होती है वैज्ञानिकों के मुकाबले शोधों को किए गए एक नए शोध में पाया गया है कि गुड़हल का अर्क कलर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है इसीलिए यह इंसानों पर भी कारगर होता है हाई ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए यह कार की तरह कार्य करता है अगर गुड़हल को गर्म पानी के साथ उबाल कर या फिर हर्बल टी के जैसे पिया जाए तो यह हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा क्योंकि इसमें एंटी होता है किडनी के रोगों में फायदेमंद डाइटिंग करने वाले या गुर्दे की समस्या से पीड़ित लोग अक्सर इसे बर्फ के साथ बिना चीनी मिलाए पीते हैं यह पौष्टिक तत्व सास संबंधी तकलीफों को भी दूर करता है बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी यह बहुत ज्यादा कारगर होता है इसे पानी में उबाला जाता है और फिर लगाया जाता है जिससे बालों का झड़ना रुक जाता है यह एक आयुर्वेदिक उपचार है इसका प्रयोग केश तेल बनाने में भी किया जाता है यह स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है गुड़हल के पत्ते तथा फूलों को सुखा पीस लीजिए इस पाउडर की एक चम्मच मात्रा को एक चम्मच मिश्री के साथ पानी से लेते रहने से स्मरण शक्ति तथा स्नायु भी शक्ति भी बढ़ती है खून की कमी को यह दूर करता है गुड़ल के फूलों को सुखाकर बनाया गया पाउडर दूध के साथ एक एक चम्मच लेते रहने से रक्त की कमी को दूर कर दिया जाता है गोल ब्लेडर स्टोन को निकालने में भी ये काफी हमारी मददगार साबित होता है गुड़हल का फूल गुड़हल के फूलों को सुखा कर बनाया गया पाउडर पित्त की पथरी को दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है मुहासो को दूर भगाने के लिए यदि चेहरे पर बहुत सारे मुहासे हो गए हैं तो लाल गुड़हल की पत्तियों को पानी में उबाल कर पीस लेने से और उसमें शहद मिलाकर त्वचा पर लगाए इससे आपके पिम्पल्स दूर हो जाते हैं यानी की मुहासे हो जाते हैं और चेहरा आपके बहुत सुंदर हो जाएगा और आकर्षित भी हो जाएगा रंग भी गोरा हो जाएगा तो दोस्तों देखा आप सभी ने गुड़हल के कितने फायदे हैं आज की वीडियो में बस इतना ही लौटेंगे एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करे